दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के गौतमपुरी इलाके में जनतंत्र टीवी की खबर का असर हुआ है। गौतमपुरी इलाके में जहां पहले गंदगी का अंबार लगा रहता था, सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ नजर आता था, वहां अब सड़कें चमचमाती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में ये साफ सफाई को लेकर स्थानीय लोग विधायक रामवीर सिंह बिदूड़ी का धन्यवाद कर रहे हैं। पहले रोड टूटा था, कीचड़ होती रहती थी, जानवर बकरी में इसमें मतलब गले रहते थे, बच्चे बड़े गिर जाते थे पानी में, तो कम से कम ऊँटू पानी में हमें सफर करना पड़ता था, यहाँ से बाहर निकलना पड़ता था, बहुत परेशानी थी मतलब पहले। अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो हम जनतंत्र टीवी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर जो आते हैं न्यूज़ चैनल पर जो चलाते हैं उसका असर थोड़ा सा देखने को मिलता है। स्थिति तो फेस वन की जैसी थी वैसी ही है करीब करीब, लेकिन फेस टू की स्थिति काफ़ी सुधार है, पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार है। खेमचंद जी क्या कहेंगे, पहले की दुर्दशा थी क्या थी? पहले की दुर्दशा को देखते हुए अब की जो हालत सुधार में आ रहा है कहीं तक ठीक ही है, नहीं तो यहाँ 20 साल से नरकीय जीवन जी रहे थे। तो कैसा महसूस हो रहा है अब आप? अब ठीक महसूस हो रहा है, पहले से अच्छा ही है। पहले सड़कों का हाल क्या था? सड़कों का हाल बुरा हाल था, लेटरिन बहती थी, रोडों पर पानी बहता था, कोई आज तक कोई सुधार नहीं था। बार बार चैनल वालों को बुलवा के उनकी सूचनाएं दे देकर लिखित रूप में दे देकर उससे जाके कहीं अब सुधार हुआ है। जनतंत्र टीवी के खबर का असर गौतमपुरी इलाके में देखने को मिला है। हम आपको बता दें कि गौतमपुरी इलाके में जहां पहले बदहाली में लोग जी रहे थे, जहां की सड़कें इतनी ख़राब स्थिति में थी कि यहां से घर से लोग बाहर निकलने से भी कतराते थे, और ख़ासकर बारिश के समय में पूरी सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ नज़र आता था, वहीं अब उसकी तस्वीर बदल रही है और यहां पे कार्य शुरू है और तकरीबन 100 गलियों का काम हो चुका है। ये फेज़ टू का इलाका है गौतमपुरी का, और जहां सड़कें जो है वो लगातार बनाई जा रही है, जिसके बाद यहां के स्थानीय लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। दिल्ली से हरि किशोर शाह, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।